फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज जबरदस्त तेजी का वातावरण बन गया है और स्टॉक 28 के ऊपर चला गया है। और ये तेजी के पीछे वजह है क्रिसिल के द्वारा दी गई रेटिंग। जबरदस्त रेटिंग दी गई है क्रिसिल ने ट्राइडेंट लिमिटेड को। तो वो रेटिंग क्या है और वो क्यों दी गई है, साथ में फ्रेंड्स जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार अच्छे निर्णय ले रही है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसका ये नतीजा है कि स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। आप देख लो स्टॉक 28 के पार गया है, यानी बड़ी तेजी बन चुकी है और ये स्टॉक की तेजी और आगे बनी रहेगी। जिस तरह से मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह दी हुई है, 6 रुपये के आसपास से स्टॉक दौड़ते हुए 28 को पार कर गया है। अभी बहुत बड़ी तेजी इसकी बाकी है और इसके पीछे वजह है प्रमोटर ग्रुप की और इसके मैनेजमेंट की मंशा। जिस तरह से प्रमोटर ने ठान लिया है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ और इसके सारे शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देना है, और उसका नतीजा है कि संभावनाएं पॉजिटिव बनती जा रही है। और पिछले दिनों जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है एम्प्लॉयज़ के लिए और साथ में शेयर होल्डर के लिए, वो काबिले तारीफ है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानेंगे क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 27 पर, हाई इसने बनाई है 28.05 की, लो है 26.40 का, और अभी करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 28 पर ट्रेड कर रहा है 4.67% अप पर, शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो BSE में 67,68,000 का वॉल्यूम हुआ है, सामने 34,37,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 50.78% है। अगर हम बात करें NSE की तो 4,21,80,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 1,79,71,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 45.61%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार काम हो रहा है, वैल्यूएबल बाइंग हो रही है और साथ में डिलीवरी बेस काम भी अच्छा हो रहा है, लोग इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और आज अभी 2 बजे के आसपास 5 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। सेलर बायर के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बायर 71,25,000 है और सेलर सामने 22,45,000 है। इसका मतलब बायर बहुत ज़्यादा है सेलर से, लोगों का रुझान बढ़ गया है स्टॉक की तरफ और ये काफ़ी दिन से लगातार बढ़ रहा है। और जो न्यूज़ है वो बहुत ही दमदार है, क्रिसिल ने रेटिंग दी है जबरदस्त। 6.65 इसका 52 वीक का लो है और 28.05 का इसका 52 वीक का हाई है जो रिसेंटली इसने आज बनाया है। तो ये बिल्कुल अपने 52 वीक के हाई पर आ चुका है स्टॉक और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और ये जो तेजी बन रही है उसके पीछे रोज लगातार आने वाली पॉजिटिव न्यूज है। तो जो फ्रेंड्स, अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है तो क्रिसिल ने जो इनकी टोटल जो बैंक लोन फैसिलिटीज जो है इनकी 4,000 करोड़ रुपीज़ की, उसको रेटिंग की है। तो जो क्रिसिल की तरफ से जो लॉन्ग टर्म रेटिंग दी गई है उसको क्रिसिल ने AA स्टेबल कर दिया है और इससे पहले जो उनकी रेटिंग थी वो AA- पॉजिटिव थी, तो उसको बढ़ा के क्रिसिल ने AA स्टेबल कर लिया है। तो ये समझ लो अपग्रेड कर दिया उन्होंने रेटिंग को। साथ में जो इसकी शॉर्ट टर्म रेटिंग थी वो क्रिसिल ने A1+ कर दिया है, जिसको पहले ये ऑलरेडी थी उसको वापस कंफर्म कर दिया है और यानी मोहर लगा दी एक तरह से पुरानी रेटिंग के ऊपर। तो रेटिंग लगातार अच्छी हो रही है। साथ में जो इन्होंने कमर्शियल पेपर जो 150 करोड़ रुपीज़ का, उसके ऊपर क्रिसिल ने A1+ की जो रेटिंग पहले दी हुई थी उसको रिकन्फर्म कर दिया है, तो उसके ऊपर फिर से मोहर लगा दी है उस रेटिंग के ऊपर। तो फिलहाल जो रेटिंग है वो इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग तो ऑलरेडी अच्छी बन चुकी है और पुरानी रेटिंग है वो बका अभी भी बरकरार रखी हुई है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि क्रिसिल को बहुत ज़्यादा भरोसा है कंपनी के कारोबार पे, और इसी वजह से जो उनकी जो भी उनकी फंडिंग हुई है, जो भी उनके कमर्शियल पेपर है और साथ में उन्होंने उसके ऊपर अच्छी खासी रेटिंग मिल रही है। इससे एक बात समझ में आ रही है कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है और ये आने वाले समय में कंपनी बहुत ज़्यादा कमाल करेगी और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगी। साथ में इन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए भी बेनिफिट देने की पूरी कोशिश की है और इसीलिए फेस्टिवल पर इन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है, अपने शेयर होल्डर को वो गिफ्ट वाउचर देने जा रहे हैं। और ये गिफ्ट वाउचर के जो इन्होंने दे रहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें जितने भी प्रोडक्ट है ट्राइडेंट लिमिटेड के शानदार प्रोडक्ट आपको 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। तो एक बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से अपने शेयर होल्डर को। और इसी तरह से इन्होंने एक निर्णय लिया है, अपने जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है उनको 21.51 लाख शेयर दे रहे फ्री में, यानी
ESOP के स्कीम के माध्यम से, जिसकी कीमत करीब 7.5 रुपये के आसपास रखी गई, यानी शेयर की प्राइस फिलहाल 28 रुपीज़ के आसपास है और ये शेयर इनको 7.5 रुपये के आसपास मिलने वाले। तो ये सोच लो इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही शेयर मिल रहे, काफ़ी ज़बरदस्त इनको प्रॉफिट मिल रहा है उन शेयरों की प्राइस के हिसाब से। और ये जो शेयर अलॉट किए जाएंगे ये करीब 21,51,397 इक्विटी शेयर है जो इन एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे, जो इनके लिए स्टॉक परचेज एम्प्लॉयज स्कीम रखी गई थी 2020 की उसके तहत है और जिसकी प्राइस 7.5 रुपये के आसपास है। और ये 1 ईयर के लॉक इन पीरियड के ऊपर है, इसके पहले वो इन शेयरों को नहीं बेच सकेंगे लेकिन उसके बाद में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये आप ध्यान रखें, जो जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड का प्रदर्शन है आने वाले 1 साल के बाद इसकी जो प्राइस है यहाँ से भी दुगुना से ज़्यादा होने की पूरी संभावना है। निवेश आपको करना ही चाहिए ऐसे स्टॉक में, और मैंने लगातार बोला है कंपनी के कारोबार को देख के, उनके प्रदर्शन को देख के, आपको पता ही होगा कंपनी का बैकग्राउंड कितना शानदार है, कंपनी किस तरह से पर्यावरण का भी ध्यान रखती है और कोविड के दौरान उन्होंने बहुत मदद की है पंजाब सरकार की, और जिस तरह से जो उनके वेलफेयर ट्रस्ट में जो इन्होंने डोनेशन दिया है पूरे पंजाब सरकार में 2nd नंबर था ट्राइडेंट लिमिटेड का, इतना छोटे कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा मदद करने के लिए अपने हाथ आगे रखते हैं और इसी का नतीजा है कि स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 89% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है और 1% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पर करीब 90% 100 में से लोग लेना इसको पसंद कर रहे हैं स्टॉक को। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 25.73 का इसको फर्स्ट सपोर्ट मिल रहा है, सेकेंड जो सपोर्ट है वो है 24.72 का और थर्ड सपोर्ट इसका 24.08 का, और ऊपर की तरफ मूव करने पे जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 27.38 का, जो ऑलरेडी इसने आज अचीव कर लिया है, इसको हिट कर लिया है। सेकंड टारगेट 28.02 का है तो स्टॉक आज 28.05 तक जाके आया है, तो ये सेकंड टारगेट भी ऑलरेडी आज इसका अचीव हो चुका है। अब तीसरा टारगेट 29.03 का है, तो बहुत जल्द स्टॉक 29 के पार होने को तैयार हो चुका है। बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जिसकी मनसा बहुत साफ हो। ये पर्यावरण का ध्यान रख के काम करने वाली कंपनी है और इसी का नतीजा है कि इनको लगातार बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं, हर साल इनको अवार्ड मिलते हैं। एक तरफ इनकी अवार्ड मेकिंग कंपनी है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने वाली कंपनी है। साथ में इन्होंने जो विजन 25 पेश किया है, आने वाले 2025 तक कंपनी अपने शेयर होल्डर को, साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने जाने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने कारोबार को बढ़ाएंगे। और जिस तरह से अपने बिजनेस को फैला रहे हैं, रिटेल बिजनेस, साथ में इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी नेशनल ब्रांड बन जाएगी। इनका एनर्जी का बिजनेस है वो भी आगे लगातार बढ़ रहा है, साथ में इनका नया जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है वॉशिंग पाउडर ट्राइस है वो भी बहुत अच्छे से अब आगे इनके कारोबार को बढ़ा सकता है क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, उम्दा क्वालिटी का इन्होंने एक वॉशिंग पाउडर का निर्माण किया है और इनका जो प्रोडक्ट है वो लगातार यूरोप और एशिया के बाज़ारों में और साथ में US के बाज़ार में ज़बरदस्त झंडा गाड़ रहे हैं और इसका नतीजा है कि तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ेगा और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा देगा। तो आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए, यह स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखें, यह आपको मालामाल कर सकता है। इसकी जो प्राइस है बहुत जल्द 3 डिजिट में जाने वाली है और काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।